टाइम हम अपनी स्किन केयर रूटीन ही करते रहते हैं अपनी फेशियल स्किन के लिए कि हमारा स्किन जो है बहुत ज़्यादा चमकदार होना चाहिए, ग्लोइंग दिखना चाहिए, क्लियर दिखना चाहिए, लेकिन हम अपनी बॉडी की स्किन को बिल्कुल भूल जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको ऐसी एक होम रेमेडी बताने वाली हूँ, अगर आप इस होम रेमेडी को यूज़ करते हो तो आपकी स्किन की पॉलिशिंग हो जाएगी। यस गर्ल्स, आज मैं स्किन पॉलिशिंग का वीडियो आपके साथ में लेकर आई हूँ, आपकी उससे बॉडी की स्किन की पॉलिशिंग होगी। और साथ ही साथ मैं आपको एक सोप बहुत ही बढ़िया सा रेकमेंड करने वाली हूँ, अगर आप उसको भी यूज़ करते हो ना तो उससे भी आपकी स्किन जो है बॉडी की वो चमकदार बनेगी, ग्लोइंग बनेगी एंड साथ ही साथ क्लियर भी होगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ में। लेकिन अगर आप मेरे चैनल के लिए न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो हिट लाइक जरूर देना इस वीडियो को। तो चलिए नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। गर्ल, सबसे पहले हमें जो है आटा लेना है। मैं यहाँ पर 3 बड़े चम्मच आटा ले रही हूँ, थोड़ा सा थिक आटा हो, मोटा तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद में मैं मेन इंग्रेडिएंट यूज़ कर रही हूँ इसमें, नारियल का तेल। तो नारियल का तेल की आप 1 बड़ी चम्मच इसमें डाल लें, जो कि बहुत ही अच्छा रहता है। देन इसके बाद में मैं थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ, हल्दी एंटीसेप्टिक होती है। इसके बाद में मैं टमाटर इसमें इंक्लूड कर रही हूँ, टमाटर का जो भी जूस है आप इस तरीके से निकाल सकते हो, टमाटर हमारी स्किन को गोरा करने में बहुत मदद करता है। इसके बाद में मैं इसमें पानी मिक्स कर रही हूँ। तो इन्हीं सारी चीज़ों को मिला लेंगे गाइस, और इस तरीके का टेक्सचर आपको मिल जाएगा। इसके बाद में हम अपनी हाथों की स्क्रबिंग चालू करेंगे। आप इसको पैक को कहीं पे भी लगा सकते हो, गर्दन पे, कोहनियों पे, घुटनों पे और पैरों पे भी लगा सकते हो। ये बहुत अच्छा रहता है गाइस, इसको लगा के और फिर आप 10 मिनट के बाद इसको धो लो ठंडे पानी से, और देखना आपका जो काला मैल है, गंदगी जमा है, वो सारी की सारी एक झटके में दूर हो जाएगी। तो अभी आप देख सकते हो मेरे हाथों का जो कलर है कितना साफ हो चुका है, आप भी इसको जरूर ट्राई करना। ओके, सो यस गर्ल्स, यहाँ पर आपने देख लिया कि ये वाली जो होम रेमेडी है आपको किस तरीके से अपनी बॉडी पे अप्लाई करनी है। आप जो है वीक में 3 टाइम्स इसको अप्लाई कर सकते हो। नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक सोप बताने वाली हूँ, तो चलिए देखते हैं कि मैं आजकल कौन सा बॉडी सोप यूज़ कर रही हूँ। एक्चुअली इट इज़ अ बाथिंग बार जो कि मैं यूज़ करती हूँ, और जो कि पैराबेंस फ्री है, SLS फ्री है, हार्मफुल केमिकल से फ्री है। तो मैं अपनी बॉडी स्किन को भी कोई भी हार्मफुल, कोई भी ऐसे पैराबेंस वगैरह नहीं दे रही हूँ, इसलिए मेरी बॉडी की जो स्किन है वो हमेशा ग्लोइंग चमकदार बनी रहती है। मैं यूज करती हूँ वाओ स्किन साइंस का बाथिंग बार, ये मुझे आजकल बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। सो गाइज, दिस इज वाओ स्किन साइंस हिमालयन रोज बाथिंग बार। सो गाइज, दिस बाथिंग बार इज स्पेसिफिकली मेड फॉर द ब्राइटनिंग एंड मॉइस्चराइजेशन ऑफ योर स्किन। It is a skin friendly product also. So girls, you can get 20% discount on buywow.in. Use coupon code WOWNATURE20. It gently cleanses the dirt without stripping off skin's natural oil, and also guys, ये जो है आपका skin का pH level भी balanced रखता है। It helps to moisturize and balance the skin, improves skin texture, and it will add suppleness to the skin. सो आप इसका बाथिंग बार देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्यूट है, बहुत ज़्यादा मुझे प्रिटी लगा। इसमें जो pH level है वो 5.5 का रखा जाता है, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग भी है। इसमें जो है रोज़ हाइड्रोसॉल मिक्स किया गया है, जो कि आपकी स्किन की रफनेस को मिनिमाइज करता है एंड ऑल्सो मेंटेन करता है आपकी स्किन एज अ हेल्दी स्किन। तो अभी आप देख रहे हो मेरी स्किन कितनी ज़्यादा हेल्दी लग रही है। सो ये वाओ के जो बाथिंग बार है ये काफ़ी सारी रेंजेस में आपको मिल जाएंगे। वेबसाइट का मैं आपको नीचे लिंक दे रही हूँ, तो आप बिल्कुल चेकआउट कर सकते हो और आपको अपने लिए जो भी अच्छा लगे आप वो बाथिंग बार अपने लिए बाय कर सकते हो। इसमें जो पीएच लेवल है वो भी बहुत अच्छे से मेंटेन करा गया है। लेट मी टेल यू गर्ल्स कि पीएच लेवल आपकी स्किन का मेंटेन होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पीएच लेवल आपकी स्किन का गड़बड़ा जाता है तो उससे भी आपकी स्किन में रैशेज या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। गर्ल्स, यू विल ऑल्सो गेट दिस सीड पाउच विद एवरी ऑर्डर जो भी आप वाओ स्किन साइंस की वेबसाइट से करते हो। आप इसको ईजिली अपने घर में प्लांट कर सकते हो। सो बी वाओ नेचुरली। सो यस गर्ल्स, यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको ये बाथिंग बार बाय करना है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, प्लीज गो एंड चेक इट आउट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट लाइक दिस वीडियो, एंड मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। आई शैल मीट यू इन वन अनदर अमेजिंग वीडियो। टिल देन स्टे ब्यूटीफुल, स्टे स्टाइलिश, बाय बाय, सी यू, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय।